हाय गाइस, सरिकास वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी मीटिंग को जूम ऐप में, मीटिंग हो या कोई कोर्सेज के आप क्लास कर रहे हो, तो कैसे आप जूम ऐप यूज़ करोगे। ठीक है, आजकल ज़्यादातर जो मीटिंग्स वगैरह हैं या क्लासेस वगैरह हैं जूम ऐप में होता है, और जूम ऐप को कैसे यूज़ करना है उसको अटेंड करने के लिए, वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सो गाइज, मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। सो आप यहाँ देख सकते हो, ये स्क्रीन में प्ले स्टोर जो है हमने ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है जूम, चैट WOM जूम आप लिखिएगा और इसको सर्च कीजिएगा, तो आपका जो ऐप है आ जाएगा। सो मेरा ऑलरेडी जूम ऐप डाउनलोडेड है, इसीलिए ओपन आ रहा है। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया होगा तो उनको यहाँ पे ओपन के जगह डाउनलोड शो हो रहा होगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, सो ओपन दिखा रहा है। सी, इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको बैक कीजिएगा, फिर आप अपने जूम ऐप को जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे लिखेगा ज्वाइन ए मीटिंग। सो मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए उस लिंक पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे ज्वाइन ए मीटिंग लिखा होगा। फिर यहाँ पे ज्वाइन ए मीटिंग करने के बाद यहाँ पे मीटिंग आईडी हम लोग से मांगा जाएगा। सो मीटिंग आईडी हमें कहाँ मिलेगा? मीटिंग आईडी हमें वहाँ मिलेगा जहाँ जिसने भी, जिस किसी ने भी हमें लिंक शेयर किया हो, इनवाइट किया हो मीटिंग के लिए। सो वहीं पे आपको एक लिंक और साथ ही में मीटिंग का टाइमिंग और मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, हर एक चीज़ वहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मीटिंग की आईडी है वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मीटिंग की आईडी को हमने कॉपी कर ली है, नीचे पासवर्ड है 12345, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे बैक, बैक जाके हम अपने जूम ऐप को ओपन करेंगे और जो मीटिंग आईडी हमने वहाँ से कॉपी की है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम मीटिंग आईडी पेस्ट करेंगे, नीचे आपको एक बटन दिख रहा है ज्वाइन का, सो उस बटन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ज्वाइन के बटन को, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको मांग रहा है जो पासवर्ड वहाँ दिया हुआ था, जो कि 12345 था, सो उस पासवर्ड को हम यहाँ पे पुट करेंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके में आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे एक ऐसा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है वाईफाई और सेलुलर डाटा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको जो है मीटिंग का जो साउंड है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मीटिंग को वहाँ से अटेंड कर पाओगे और स्क्रीन और साउंड दोनों आपको क्लियर फिर सुनाई देंगे। सो गाइस, आप इसी तरीके से जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं।